Hi everyone, welcome to my channel. Today's recipe is egg curry. I'm sure आप इस तरीके से egg curry बनाएंगे तो ज़रूर आपके पसंद आएगी. एक बार बनाना है इसको, ना भूलें, ज़रूर ट्राई कीजिए. तो देखिए, चल के बनाना स्टार्ट करते हैं हम. इसके लिए हमने 6 से 7 अंडे ले लिए थे. इनको बिल्कुल गर्म पानी में हमको उबाल लेना है. अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ था. आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप उस हिसाब से डाल दें, बड़ा या छोटा साइज़ अनियन का. अब उसमें हमने क्या किया था, 8 से 10 लहसुन के ले लिए थे और एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया था 1 इंच तक का. 10 से 12 लहसुन आप जितना पसंद हो डाल दें. एक हरी मिर्च बड़े साइज़ की डाल दी हमने इसमें. ये देखिए, इस टाइप से ये सारी चीज़ें ये हैं, ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक. अब क्या करना है, हमें एक जार लेना है और जार में हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी. ये हमने कसूरी मेथी डाली हुई है इसमें. ये आधी स्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें. आधी स्पून डाल दें आप. अब इसके बाद हमें क्या करना है, आधी कटोरी करीब हमें पानी ऐड कर देना है इसमें. पानी ज़रूर डालें आप इसका जो पेस्ट बनाए. हमें बिल्कुल लिक्विड इस टाइप का ही रखना है पेस्ट. अब हमने इसमें काली बड़ी इलायची डाल दी है और इसका हम अच्छा बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे. बिल्कुल हमें बारीक करना है, बिल्कुल बारीक पानी डाल के. ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसके पेस्ट की. अब हम अलग से एक पैन लेंगे. इसमें हमने तेज हीट पे हमने एग को फ्राई कर लेना है. बिल्कुल देखिए, ऐसे गोल्डन ब्राउन तक हो जाए तो इस टाइप से हमें फ्राई कर लेना है. अब हम इसको साइड में रख देंगे फ्राई करके. एक हमने पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल डाला है. कोई भी ऑयल ऐड कर लें आप. तेल अच्छा गर्म हो जाए फिर हम इसमें 2 तेज पत्ते डाल देंगे. अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है ये सब हमने ऐड कर दिया है हाई हीट पे. ये देखिए, अब फिर थोड़ा थोड़ा चलाते रहें हम बीच में ताकि जो इसका पेस्ट है वो लगे नहीं, गैस में जले ना. अब हमें जो फ्लेम है ना उसको बिल्कुल मीडियम पे ही हमें 5 से 8 मिनट तक इसको ऐसे चलाते रहना है धीरे धीरे. ये देखिए, ऐसा कलर इसका टर्न हो जाए तब हम इसमें ये मसाले डालेंगे. आधी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है, 1 स्पून भर के हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है. आधी स्पून से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर, आप ज़्यादा या कम कर लें. आधी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करें. अब हमें इसको सब कुछ चला लेना है. ये देखिए, धीरे धीरे हमें इसको चलाना है. थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम इसमें. और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, जो एग लिए थे हमने उसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे जिससे उसके जो पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे. ये देखिए, सारे 1 से 2 मिनट बस इतनी थिक ग्रेवी में हमें थोड़ा सा इसको फ्राई करना है. आप याद रखें इसमें टमाटर और जीरा वगैरह ना ऐड करें. अब हमने इसमें 1/2 लीटर करीब पानी डाल दिया. हाफ या थोड़ा ज़्यादा तक इतना ही पानी डालें आप. अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक अच्छा ढांक के पकने देंगे ग्रेवी को, जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए. अब हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया. आप पर ज़रूर बना के देखें, बहुत ही अच्छी बनेगी. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे अहेड.